अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशिक, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरतें जुमे की नमाज किस तरह से अदा करें। आप सब हजरात से छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसकी बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, आप प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा, दोस्तों हमें आपके वक्त की कदर और फिक्र है, लेकिन दोस्तों अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। दोस्तों, हदीस पाक में फरमाया गया है, इन पांच लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। नंबर एक है मुसाफिर, नंबर दो है बच्चा, नंबर तीन है गुलाम, नंबर चार है औरत और नंबर पाँच है बीमार शख्स। इसमें औरत का लफ्ज आया है। दोस्तों, औरत पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, लेकिन जुमा बगैर इमाम और बगैर खुतबे के मुकम्मल नहीं होगा। इसके लिए मस्जिद जाना होगा, औरत मस्जिद तो जा नहीं सकती। अगर किसी मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम हो कि औरत बिना मर्द को देखे और मर्द बिना औरत के देखे जुमा पढ़ सकती हैं तो पढ़ लें, वरना औरत घर पर ही रहकर नमाज जोहर अदा करें, क्योंकि यह सबसे बेहतर है औरत के लिए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के दिलों में पांच वक्त की नमाज पढ़ने का जज्बा और जोश और जुनून अदा फरमाएं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिलों में ईमान की रोशनी को मालामाल कर दें और उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना, क्या पता किस भाई की जुबान से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके साथ के तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।